मैं सविता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल वंशी एकेडमी पर। आप सभी के लिए आज मैं लेके आई हूं DEE BBB ने जो 28 दिसंबर 2014 को, 28 दिसंबर ध्यान से सुनिएगा, 28 दिसंबर 2014 को जो है आपका TGT सोशल साइंस का एग्ज़ाम लिया था। उस समय ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, तो उसका जो मैं क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, मैंने सेक्शन ए अपलोड कर दिया है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। अभी मैं आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। देखिए मैं अभी ना आपको प्रश्न दिखा रही हूँ, सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप सभी को पता है मैं अपने चैनल पर सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। तो जितने भी इसमें प्रश्न हैं मैं आपको ना प्रैक्टिस, ये जो जितने भी प्रश्न हैं मैं प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर दूंगी, चाहे आपका 2018 के सारे सभी शिफ्टों के जो क्वेश्चन हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन जो हुए थे, क्वेश्चन पेपर आया था वे, और ये वाले, और साथ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैं प्रैक्टिस सेट जो करवाऊंगी ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही रहेगा, और वहाँ से आपके रिपीट होने की पूरी संभावना है। प्रश्न आप देख लीजिएगा बेशक, ठीक है। अभी मैं सब्जेक्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, देख लीजिए। ये आपने देख लिया होगा, अभी आगे देखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगा सेक्शन है, आप जो चैनल पर देख सकते हैं मैंने अपलोड कर रखी है वो वीडियो। ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, यानी कि पोस्ट स्पेसिफिक विषय संबंधी प्रश्न। ये इकोनॉमिक्स से आए हुए हैं सबसे पहले। क्या होता है TGT सोशल साइंस में, ऐसा कुछ नहीं है कि तीनों के ही बराबर ही प्रश्न आते हैं, किसी कई बार हिस्ट्री से ज़्यादा पूछ ले जाते हैं, कई बार इकोनॉमिक्स से, है ना, आपका जियोग्राफी से हो गया, पॉलिटिकल साइंस से हो गया, ठीक है, और आपके सोशियोलॉजी से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं TGT सोशल साइंस में। तो NCERT आप पढ़ लीजिएगा, 12th क्लास की सोशियोलॉजी भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से प्रश्न आते हैं बहुत सारे। ये आपका NCERT से धारणीय विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके जो है जियोग्राफी से है, 10th क्लास के शायद पहला ही चैप्टर हो, पहला या दूसरा चैप्टर है। इंग्लिश से में है आपके। अभी सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि कैसे प्रश्न आए थे। ये भी आपकी बहुत मदद करने वाले सारे प्रश्न आपको मेरे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। मुहाचे से व्याख्या सहित इनको सॉल्व करेंगे। जो लोरेंज वक्र है इससे भी प्रश्न आए हुआ आपका इकोनॉमिक्स से। आगे देखिए, ये हिंदी में हो जाएगा आपका। मानव विकास सूची से अभी पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था प्रश्न, यहाँ से भी आपका आता ही आता है। लोरेंज वक्र, अब देखिए आप, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन ना, बहुत बार आपका एग्जाम में रिपीट हुआ ये प्रश्न आपका। अभी 2020 तो आपका जो है ना नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप देख रहे होंगे, हरे आपके अभी 2021 के चल रहे हैं, सॉरी 2021 के जो अभी PGT के चल रहे हैं ना, उसमें भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये प्रश्न आपका आता ही आता है, मेधा पाटकर वाला, करंट से भी जुड़ा हुआ, मैंने प्रैक्टिस सेट में भी करवा दिया है ये, ठीक है। ये इंग्लिश से है। देखो हिस्ट्री के बड़े अच्छे प्रश्न आए हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं आए हैं। अशोक के कलिंग युद्ध से है, जो कि डी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये तो आता ही आता है ये प्रश्न, इलाहाबाद अभिलेख के, ये आपका ये भी आता है ना, समुद्रगुप्त है, हरीशेन इनके कवि थे, वन अधिकार नियम, ये NCERT से 9th क्लास की हिस्ट्री में है ना ये।
बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, लाख बख्श, राष्ट्रंगिणी आपके कल्हण आ जाएगा। पानीपत की जो पहली लड़ाई, देखो पानीपत की लड़ाई हुई आपकी, और आपके जो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ाई थी, बाबर से जो संबंधित युद्ध है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार ये सारे आप देख लीजिएगा। आपका टिस्को का देखिए, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवाया हुआ है, टाटा आयरन और स्टील कंपनी, मैंने टिस्को बोला था 1960, ठीक है। लाख बख्श हो गया आपका कुतुबद्दीन ऐबक को। अभी ना थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है टीटी प्लस में ने, डायरेक्ट ऐसे जो आपके प्रश्न नहीं पूछे जाते, फैक्ट बेसिस प्रश्न नहीं आते, कंसेप्ट आपको ना कंसेप्ट भी पता होना चाहिए पूरा, बीच बीच से भी आपको, जैसे आपने देखा होगा अभी कथन कारण, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न है, किताबों से प्रश्न है ना, मैच करने हैं, काफ़ी ये प्रश्न आ रहे हैं। प्लस एक इस तरह से 57 देख लीजिएगा, लाख बख्श आपका ये हो जाएगा, कुतुबद्दीन ऐबक है ये, राजधानी इसने दिल्ली से देवगिरी की थी, ठीक है। तालीकोट की जो ये लड़ाई है, ये आपके विजयनगर और बहमनी आ जाएगा। ठीक है, ये परमानेंट जो सेटलमेंट है, स्थाई बंद जो भूमि व्यवस्था है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कंसेप्चुअल प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं अब की बार अच्छे से। ये तो बिल्कुल इजी ही प्रश्न है ज़्यादातर इसमें। क्या प्रश्न है देखिए, ये आपका जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, धर्म विशेष संस्कृत आधारित शासन है, राज्य सूची है में शामिल जो सब्जेक्ट है ये, आपकी बार पीजीटी में जो अच्छे वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो इतनी सैलरी होगी तो कंपटीशन तो पास करना ही है, मेहनत तो मांगेंगे ही। ये आपके सब्जेक्ट के 100 प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ। ये देखिए अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वेट कीजिएगा, ठीक है, वेट कीजिएगा, सारे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ये भी और ऐसे ही इम्पोर्टेंट बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर देखिए आप सोशल साइंस के हैं तो बिना सोच विचार के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फ़ायदा होने वाला, विश्वास कीजिएगा। कोई पैसे थोड़ी ना देना आपने, जो फ्री में है आपकी जो भी है, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे अच्छे से। इसी दा एनसीईआरटी से जियोग्राफी से उठाया प्रश्न, इंग्लिश वाले दिखा देते हैं क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश वाले बच्चे भी होंगे ना। देखिए वीडियो को आप रोक के देख लीजिएगा, ठीक है, रोक लीजिएगा। ये
क्या हो गया आगे, वेट कीजिएगा, अभी निकाल रहे हो सब्जेक्ट, ये अभी पहला पार्ट खुल गया, हो जाता कई बार, ये आ गया आपका सब्जेक्ट जो, ठीक है। कोशिश करेंगे आपके सामने और भी क्वेश्चन पेपर लाने की, पता होना चाहिए ना कैसे प्रश्न आए हुए थे आपके सामने, मैं वो भी लेके आऊँगी कट ऑफ क्या रही थी 2018 में, बताऊँगी आपको, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैंने पॉलिटिकल साइंस की तो डाल रखी है कट ऑफ। एक सौ 66% सीधा एनसीईआरटी से, ये यूएनओ की जो है विजयलक्ष्मी पंडित, बहुत बार प्रश्न आता है, सामान्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजयलक्ष्मी पंडित। बहुत बार आता है प्रश्न ये, ये हो गए आपके 200 प्रश्न, 100 आपके ये पार्ट बी के हैं जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, और 100 पहले थे, ठीक है, सेक्शन ए के, तो सेक्शन ए के पहले मैंने अपलोड कर रखे हैं ये 100 प्रश्न, अभी मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, धन्यवाद स्टूडेंट्स।